अपनी कृषि के संबंध में रखेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और उपस्थित मित्रों, आज मंत्रिपरिषद की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित आम आदमी को राहत और मदद देने की दृष्टि से निर्णय किए गए। उन निर्णयों की कुछ झलक माननीय प्रकाश जी ने अपने वक्तव्य में दी है, मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप सभी और सारा देश इस बात का साक्षी है कि वायरस का संकट के समय भी जब लॉकडाउन रहा उस समय भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर गांव और गरीब किसान निर्णयों के केंद्र में हमेशा रहा। चाहे गरीब कल्याण योजना के माध्यम से राहत देने का सवाल हो या कृषि के क्षेत्र में कामकाज न रुके इस दृष्टि से अनुमतियां देने का सवाल हो। जब लॉकडाउन घोषित हुआ उसी समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी, लेकिन कटाई का सवाल हो, उपार्जन का सवाल हो, मशीन की आवाजाही की अनुमति हो, मशीन मरम्मत के लिए वर्कशॉप की खोलने का सवाल हो, हर मामले पर सरकार ने संवेदनशीलता के साथ विचार किया और उसी का परिणाम है कि किसान ने प्रतिकूलता के मौके पर भी फसल कटाई का काम पूरा किया और इस बार बंपर पैदावार करके किसान ने देश को समर्पित की है। सरकार उपार्जन के प्रति भी काफी गंभीर थी और इसलिए उपार्जन की प्रक्रिया अभी चली रही है, लेकिन आज दिनांक तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष ये 342 मीट्रिक टन थी। धान की खरीद 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, गत वर्ष ये 90 लाख मीट्रिक टन थी। दलहन और तिलहन की खरीद अभी चल रही है और अभी 16.07 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है, ये गत वर्ष 15 लाख मीट्रिक टन थी। आप सबके ध्यान में है कि 18-19 में सरकार ने एक निर्णय किया था कि किसान को उसके उत्पादन में लागत का कम से कम 50% मुनाफा मिलना चाहिए। സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിമാർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു. നമസ്കാരം.